अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे तावीज़ के बारे में जो मोहब्बत की बहुत ही मुजर्रब तावीज़ है। ठीक है, इस तावीज़ के ज़रिए से आपका महबूब ज़रूर भी ज़रूर 100% आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपकी यादों में खोया रहे, आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार रहे, तो ये तावीज़ आपके लिए इंशाअल्लाह, अगर पूरे यकीन के साथ आप इस तावीज़ को बनाते हैं अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, और अगर आपकी जायज़ मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपका महबूब आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होगा और आप अपनी जायज़ मोहब्बत में ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, सबसे पहली शर्त होती है कि आपकी मोहब्बत जायज़ हो। अगर नाजायज़ मोहब्बत होती है तो कोई भी अमल या तावीज़ वजीफ़ा हो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इस तावीज़ की तरफ कि किस तरीके से आपने इस तावीज़ को बनाना है और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने ले लेना है सफ़ेद कागज़। ठीक है, और काले कलम से, काले पेन से आपने बनाना है। ठीक, 1 2 3 4, और इस तरीके से आपने 1 2 3 इस तरीके से खाने बना लेने हैं। यहाँ ऊपर सबसे पहले 786 लिख देना है। ठीक है, अब इस खाने में आ जाएँ सबसे पहले यहाँ। ठीक, मीम सीन लाम हे। ठीक, मीम सीन लाम हे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए इस खाने में। ठीक, हे वा, फिर इस खाने में मीम सीन लाम हे। ठीक, इसमें आ जाए मीम सीन हे दाल। ठीक है, इस तरीके से आपने इसमें लिखना है। ठीक है, आप साफ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक, बहुत ही मुजर्रब तावीज़ है, बे इंतहा मुजर्रब है। ठीक है, बारह की आजमाई हुई है, आजमूदा तावीज़ है, मुजर्रब नक्श है। इंशाअल्लाह इस तावीज़ के ज़रिए से, इस नक्श के ज़रिए से आपका महबूब बे इंतहा आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होगा और आपकी यादों में खोया रहेगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों इस तावीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखें अलिफ हे वाव। ठीक, फिर यहाँ आपने लिखना है मीम सीन लाम हे, और यहाँ लिखना है काफ लाम अलिफ ऐन। ठीक, यहाँ बे मीम ऐन, ये है बे मीम ऐन। ठीक, यहाँ लिखना है तोए लाम सीन। ठीक, तोए लाम सीन, और यहाँ लिखना है मीम सीन लाम हे। ठीक है, मीम सीन लाम हे, और यहाँ आपने लिखना है सीन लाम मीम, इसमें अलिफ सीन खे। ठीक है, ये देख लें आपने, इस तरीके से आपने यहाँ से शुरू करना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब आपने आ जाना है यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ अब आपने गौर से देखना है, यहाँ लिखना है तोए। ठीक, इस तरीके से आपने लंबा कर लेना है। यहाँ लिखना है एक एक एक। ठीक, तीन मर्तबा आपने एक लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद 9 1 1, 6 1 9, 7 1 1 9। ठीक, इस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है, ये तो ही लिखना है। अब फिर उसके बाद आपने जो है यहाँ भी तो ही बनाना है, यहाँ यहाँ फिर से इस तरीके से।
यहाँ लिखना है 1 7 1 1 4 2 9 1 9 1 8, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ आपने लिखना है तोय, फिर ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। 1 1 ऐन वाव 7 1 9 1 1 7 5, ठीक ये आप देख लें, ठीक है। ये तो ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये नंबर्स जो लिखे हुए ये आपने लिखना है, ठीक। ये भी तो ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर नंबर्स हैं और इसके ऊपर भी नंबर्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है वो लिख लेना है। अब आप नीचे आ जाएं, यहाँ यहाँ आ जाएं, ठीक। फला बिन फला अलाहुबे फला बिन फला, ठीक है। दोस्तों आप इसको किसी भी टाइम किसी भी वक्त जो है वो बना सकते हैं, मगर तन्हाई में बैठ करके पाको पाकीज़ा होकर के ही आपने बावसु होकर के इस ताबीज़ को बनाना है, ठीक है। यहाँ के ऊपर आपने अपने महबूब का नाम लिखना है, ठीक है, जो आपसे नाराज़ है या आपसे बातें नहीं कर रहा है या आपसे बातें नहीं कर रही हैं, ठीक है। यहाँ के ऊपर महबूब का नाम होगा वल्दियत के साथ और यहाँ आपका नाम होगा वल्दियत के साथ, ठीक। इस तरीके से ये तावीज़ बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस तावीज़ के ऊपर थोड़ी सी आपने खुशबू लगा देना है और इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और इसके ऊपर आपने खुशबू लगा देना है और लगाने के बाद आपने अपने घर में कोई वज़नी चीज़ हो, ठीक है, उस वज़नी चीज़ के नीचे आपने इसको दबा देना है, किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ कोई हाथ ना लगा सकते। फिर इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपका महबूब जो आपसे नाराज़ था या आपसे बात नहीं कर रहा था या उसका फ़ोन नहीं आ रहा था, किस तरीके से वो आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होता है। आपका महबूब खुद आपसे रब्ता करेगा, आपको फ़ोन करेगा, ठीक है। दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।